हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार, राकेश प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में बात करते हैं ड्रूलिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, ड्रूलिंग प्रॉब्लम क्या होती है, तो आइए जानते हैं ड्रूलिंग प्रॉब्लम। यदि नोजल हीटर का टेम्परेचर, जो नोजल पर हीटर लगा होता है उसका टेम्परेचर मटेरियल के मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए, तो मटेरियल ड्रॉप एक तार या तार जैसे के रूप में नीचे गिरने लगता है, या नीचे गिरना, उसे ड्रूलिंग कहते हैं, वो ड्रूलिंग कहलाती है। ठीक है, नोजल का टेम्परेचर, नोजल के जो हीटर लगा होता है उसका टेम्परेचर मटेरियल के मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा सेट हो जाए, तो एक तार के रूप में गिरने लगता है, उसे ड्रूलिंग कहते हैं। ये क्यों आती है, इसे कैसे कंट्रोल करेंगे, दूसरे पॉइंट में देखते हैं। इसका दूसरा कारण रिएक्शन प्रेशर का अधिक होना भी है। शट ऑफ वाल्व के खराब होने से ड्रूलिंग प्रॉब्लम आती है। अगला पॉइंट यह है, रिएक्शन डिले टाइम पर भी डिपेंड करता है। जितना समय कम होता है उतनी ही अधिक ड्रूलिंग होती है। आगे ड्रूलिंग मटेरियल पर भी निर्भर करती है, मटेरियल पर। जैसे कुछ मटेरियल में ड्रूलिंग अधिक होती है, जैसे नाइलॉन, तो स्क्रू आरपीएम अधिक होने पर स्क्रू बुश और नोजल का रिड्यूस आपस में सीलिंग न बन रहा हो, तो ये ड्रूलिंग के कारण हैं। तो दोस्तों, ड्रूलिंग समझ में आ गई होगी, ये ड्रूलिंग के कारण। ड्रूलिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, टेम्परेचर कम करो नोजल का, अब भी ड्रूलिंग हो रही है, सख बैग लगा दो, सक बैग दो, ड्रूलिंग कंट्रोल हो जाएगी। और नहीं हो रही कंट्रोल, तो एक डोजिंग डिले होता है, उसे बढ़ा दो, कंट्रोल हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।